परिषदों की बैठक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आयोजित हो रही है। पूरे देश के महापौर हमारे शहर रायपुर में आ रहे हैं। 26 तारीख से उन लोग का आना चालू हो जाएगा। 27 और 28 तारीख को यह सम्मेलन कोर्टयार्ड मैरियट में उसमें होगा। उसका जो उद्घाटन है वो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करेंगे, और मुझे लगता है कि वो पुरी साहब जो मंत्री हैं हमारे हरदीप पुरी जी, उनसे भी उनकी चर्चा हुई है। तो हरदीप पुरी साहब और भूपेश बघेल जी इसका उद्घाटन करेंगे, और जो समापन है वो समापन हमारी जो राज्यपाल महोदय अनुसुईया उइके जी, उनके द्वारा इसका समापन किया जाएगा। और प्रयास ये रहेगा कि जो महापौर लोग जो आ रहे हैं तो ये जो सम्मेलन ऐतिहासिक सम्मेलन हो, क्योंकि हमारे शहर में पहली बार इतने पूरे देश के महापौर लोग आ रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐतिहासिक सम्मेलन हो, अच्छा हम लोग अपने जो हम काम कर रहे हैं हमारे शहर में हमारे प्रदेश में जो काम कर रहे हैं उनको हम बता सकें, उनको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, उस सम्मेलन के माध्यम से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। वह भी अपने शहर में क्या कर रहे हैं, अपने प्रदेश में क्या कर रहे हैं वो बताते हैं, हम भी अपने शहर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने एजेंडे में रखा है जो आप लोग को बताना, आप लोग को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि उस एजेंडे में ऐसा जुड़ता नहीं है, मगर मैंने निवेदन करके हमारे अध्यक्ष जी से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे, तो उनको मैंने उनको बोल के जुड़वाया है कि उसमें हमने गोबर और गौमूत्र, यह भी हमने उसमें टॉपिक में उसमें रखा है कि गोबर से किस तरीके से पेंट बनाया जा रहा है और गौमूत्र से किस तरीके से फिनाइल बनाया जा रहा है, तो ये भी टॉपिक हमने उसमें एक रखा है। तो अच्छी बात ये होगी कि बहुत सारी मेयर्स लोग आएंगे, उनको भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा, और हो सकता है हम भी बहुत सारी चीज़ उनसे सीखेंगे। तो एक अच्छा सम्मेलन हमारे शहर में होने जा रहा है, और हम सब लोगों के लिए फख्र की बात है कि पूरे देश के महापौर जो हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल है, माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी आज जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो एक मॉडल के तौर पर आज प्रदेश की पहचान बनी है, एक शहर की पहचान बनी है। तो पूरे आके महापौर इसको आके देखेंगे, अच्छी बात। देखिए हम लोग तो बहुत सारी उनसे मांग करने हम लोग जाएंगे, कि मुझे ऐसा लगता है का आयोजन हमारे शहर रायपुर में होने जा रहा है। 19 और 20 इसका रजिस्ट्रेशन होगा। 21, 22 और 23 को यह शिविर लगाया जाएगा इंडोर स्टेडियम में, और मुझे पूरा भरोसा है कि रायपुर शहर की जो हमारी जनता है इस शिविर का पूरे तरीके से लाभ उठाएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें देश से जो प्रख्यात डॉक्टर हैं, अच्छे बड़े डॉक्टर हैं, वो जिससे हमको समय लेने में एक एक दो दो महीना लगता है, वो डॉक्टर लोग हमारे बीच में रहेंगे। हमारे शहर के जो प्रख्यात जो डॉक्टर हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं, उनकी पूरी टीम इस शिविर में रहेगी। और हमारी प्रयास ये रहेगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाकई में जिन लोग आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, जिनके पास वाकई में जो अपना इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए ये जो शिविर है पूरे तरीके से कारगर साबित होगा। इसमें ईसीजी, सोनोग्राफी, एक्सरे, पैथोलॉजी, ब्लड टेस्ट, आँख की जांच, आँख के लिए चश्मे, आदमी जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उनके लिए बत्तीसी, पूरी व्यवस्था इस शिविर में की जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि इसमें मरीज, जिस तरीके से प्रमोद भैया ने बताया कि इसमें मरीज आइडेंटिफाई होकर सामने में निकल कर आएंगे, और उसके बाद हमें लगता है कि वाकई में इनका इलाज होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए, वो ऑपरेशन को भी हम लोग अपने माध्यम से कराएंगे। तो एक अच्छा स्वास्थ्य शिविर रायपुर शहर में होने जा रहा है, और पूरी रायपुर शहर की जनता को इसमें लाभ मिलेगा।